हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए आज लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। और देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत ही इजी ड्रेस है, बहुत ही आसानी से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इसको बना लोगे। ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें इस तरीके से फंदे में एक नोट लगा लेनी है, फिर हम यहाँ पे ऐसे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 हम चैन बनाएंगे और फिर हम ऐसे देखिए धागा लेंगे, 1 और 2 चैन को स्किप करेंगे, थर्ड चैन में से ऐसे डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, ऐसे 1 2 3। इस धागे को हमें इसी के अंदर ले लेना है, ऐसे फोल्ड करके 4। और देखिए जो फंदे में हमने नोट लगाई थी उसमें से भी हमें एक बना लेना है, हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया कर लेना है ऐसे। देखिए इस तरीके से इस धागे को खींच लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा धागा है ये, इसको यहाँ से कट कर देंगे हम। 5 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, फिर हम देखिए इस चैन में से सभी चैन में से 1 1 टाइम्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और देखिए 5 ऐसे, फिर देखिए 1 2 3 चैन, फिर इसको टर्न करेंगे, सभी चैन में से हमें 1 1 टाइम्स बनाना है, 5 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, कोई भी फंदे को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 7 रो कंप्लीट कर लिए हैं, 5 5 डबल क्रोशिया, देखिए सभी रो में हमारे 5 5 डबल क्रोशिया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें दूसरे कलर को ऐड कर लेना है, देखिए इस तरीके से हम धागे में इसको जॉइंट कर लेंगे, इसको खींच लेंगे और वाइट कलर के धागे को यहीं पे हमें कट कर देना है ऐसे, 1 2 3, 3 चैन, 3 चैन बना के, और देखिए जो हमारी ये चैन है इसी चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 3 की चैन, 3 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब देखिए जो इस डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए यहाँ पे जो चैन है हमारी, इस चैन में से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे, फिर 1 2 3 चैन, और फिर इसी चैन में से ऐसे 1 2 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे इस चैन में से एक रो के बाद जो हमारी चैन है ये, इसमें से हमें ऐसे 1 2 3 चैन, फिर इसी में से डबल क्रोशिया 1 और देखिए 2। फिर देखिए यहाँ पे हर रो पे हमारा जो यहाँ पे देखिए हर रो पे हमें चैन है जो हमारी यहाँ सभी में से हमें इस तरीके से बना लेना है, 1 2 3, 3 चैन, और देखिए फिर इसी में से 1 2 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 और 2 को स्किप करना है, यहाँ से इसमें से हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं, 1 2 3, फिर इसी में से 1 2, और फिर यहाँ पे लास्ट में आके 1 सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से ऐसे हमें बनाना है, फिर देखिए सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे,
फिर देखिए, फिर हम इधर से आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन, 3 चैन बना के जो हमारा इस रो के ऊपर जो यहाँ पे चैन है उसमें से हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे देखिए 1 2 और 3 चैन, और फिर देखिए यहाँ से इस चैन में से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, फिर यहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं पूरे को इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और धागे को अब यहीं पे हम कट कर देंगे ऐसे, उसके बैक साइड में अंदर ही ऐड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ये बताया ऐसा ही हमने एक और बना लिया, दो हमने, हमें ये चाहिए, दो हमने बना लिए, तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, देखिए अब हमें करना क्या होगा, हमें देखिए यहाँ पे इन दोनों को एक साथ इस तरीके से रखना है। देखिए ऐसे, और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चैन है और इधर से भी जो फर्स्ट चैन है इसमें से हमें ऐसे ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर हम एक चैन लेंगे और फिर इसमें से नेक्स्ट में से ऐसे, फिर एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में से ऐसे, फिर एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में से ऐसे, और फिर देखिए नेक्स्ट में से यहाँ से लेंगे इसमें से ऐसे, फिर 1 चैन और फिर इसके नेक्स्ट में से लेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, और देखिए हमारे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 बने हैं, 3 हमने चैन ले ली। अब इसको हमें ऐसे टर्न कर लेना है इस तरीके से। 3 चैन लेने के बाद जो हमने यहाँ पे सेंटर में 1 1 चैन एक्स्ट्रा ली है उसमें से हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और देखिए 2, फिर नेक्स्ट में से भी 1 और देखिए 2, फिर नेक्स्ट में से भी 1 2, फिर नेक्स्ट में से भी 1 2 ऐसे, 1 2 और देखिए 1 और देखिए 2 इस तरीके से। देखिए अब हम काउंट कर लेते हैं इनको। देखिए फ्रेंड, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 यहाँ पे डबल क्रोशिया है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे और देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेंगे ऐसे 1 2 3 3 टाइम्स धागा लेंगे इस तरीके से, हमें पफ स्टिच बनानी है। फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट में से 1 2 3 3 टाइम्स धागा, फिर 1 2 2 चैन सेंटर में, फिर नेक्स्ट में से 1 2 3 इस तरीके से, फिर 1 2 2 चैन और फिर नेक्स्ट में से 1 2 3 इस तरीके से। देखिए ऐसे हमें बनाना है। अब देखिए 1 2 2 चैन, फिर यहाँ पे इसमें से 1 2 3 3 टाइम्स धागा, फिर सेंटर में 2 चैन। इसी तरीके से हमें अपना रो कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें इस कलर को जॉइंट कर लेना है ऐसे, इस तरीके से 1 2 3 चैन, इस तरीके से धागे को हम यहाँ पे खींच लेंगे, इसको सी के अंदर ले लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से बनाएंगे ऐसे 1 2 3 3 टाइम्स धागा ऐसे, फिर सेंटर में 1 2 2 चैन और फिर इसी में से 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 2 चैन और फिर नेक्स्ट में से 1 2 3 3 टाइम्स धागा, फिर 1 2 2 चैन। अब देखिए इसमें से एक बार ही बनाएंगे और इसमें से 2 बार बनाएंगे 1 2 3 ऐसे 1 2 सेंटर में सभी के 2 2 चैन लेनी है हमें ऐसे। देखिए
देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए पहले भी मैंने 2 पप स्टिच बना ली, इसके सेंटर में से यहाँ पे हमने 1 बनाई, फिर हमने 2 बनाई, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, इसी तरीके से अपना रो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे 2 थे, 2 पप स्टिच, इसमें से हमने 1 बना लिया। अब हमें यहाँ पे देखिए लास्ट में एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बना के धागे को यहीं पे हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा ये वाइट कलर का धागा है इसको हम कट करके इधर से लगाएंगे, जिससे सीधी तरफ से लास्ट का रो हमारा ये सीधी तरफ से रहे। और इस धागे को हमें देखिए इसी के अंदर ऐड कर लेना है। यहाँ से हमें इसको बनाना शुरू करना है इसके सेंटर में से, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बना के हमें यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और देखिए 3 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारी 3 की चैन हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें से नेक्स्ट में से 1 2 3 3 चैन और फिर इसमें से डबल क्रोशिया, ऐसे 1 2 3 धागे को हम कट कर देते हैं। और देखिए 4 ऐसे 4 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए अब हमें सभी के सेंटर में से इस तरीके से बनाना है ऐसे, फिर 1 2 3 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 और देखिए 3 और एक हमारी 3 की चैन हो गई तो हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, देखिए 1 2 3 और देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में से इस तरीके से। देखिए सभी के सेंटर में से हमें इसी तरीके से बनाना है, देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए, और जितने भी हमारी 2 चैन है सभी के सेंटर में से हमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे ऐसा, और देखिए जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं सभी को हमें अंदर ही ऐड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये एक तरफ से बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स इधर से हमने बना लिया, अब सेम हमें ऐसा ही इधर से बनाना है। इस तरीके से हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है, जैसे हमने इधर से फंदों को उठाया था सेम ऐसे ही हमें इधर भी बनाना है। आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। इसी तरीके से हम इधर से भी कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो हम इधर का भी बना के आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से हमारा कंप्लीट हो गया, जैसा मैंने आपको इस तरफ से बताया था वैसा ही हमने इस तरफ से बना लिया। और देखिए ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, अब उनको हम पहना के भी दिखाएंगे आपको। पहले हम एक डोरी बना लेते हैं पतली सी सिंपल सी, देखिए इस तरह की मैंने चैन बनाते हुए इस डोरी को बना लिया है। अब देखिए ड्रेस में हम डाल लेंगे इसको, किस तरीके से डालेंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंदे उठाएंगे क्रोशिया हुक से और इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे इस तरीके से देखिए। और हमने यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 यहाँ से 4th रो में हमने इसको डाला है ऐसे, इस तरीके से देखिए। देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस को पहन लिया है और देखिए काफी सुंदर ड्रेस है, देखिए बैक साइड से भी और देखिए आगे की तरफ से भी एकदम फिट आई है उनको। और कितना इजी बनाना है, देखिए चोली बनाने में भी अगर आपको दिक्कत आती है इस तरीके से अगर आप चोली बनाओगे तो देखिए एकदम कितने अच्छे से कवर हो गई, बहुत ही प्यारी लगती है। और डिजाइन भी आप इसमें किसी भी तरह का डिजाइन इसमें डाल सकते हो इस तरीके से चोली बना के। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको चोली वैसे सिंपल चोली बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह की चोली बना सकते हो। सभी तरह की ड्रेस में बनाना बताऊँगी जॉइंट घेरे में। तो देखिए अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। वही हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, बहुत ही सुंदर और प्यारी ड्रेस है फ्रेंड्स ये।
और बहुत ही इजी है बनाना। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।